तो हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट एवर नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर मूवीज के बारे में। लिटरली इन मूवीज का एक्शन अमेजिंग है। अगर आप एक्शन लवर हैं तो ये मूवीज आपके लिए हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है द मदर। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी की स्टोरी एक रेस्क्यू मिशन पर बेस करती है। इस मूवी में एक औरत जो की एक फौजी हुआ करती थी, फौज से रिटायरमेंट के बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। अपनी सर्विस के दौरान कुछ बुरे लोग होते हैं जो उसके दुश्मन होते हैं, और अब वो उसके बेटी के पीछे पड़े हुए हैं। तो आकर वो बुरे लोग कौन हैं और वो उसकी बेटी से क्या चाहते हैं और वो अपनी बेटी को कैसे बचाती है, वो आप इस मूवी में देख सकते हैं। इस मूवी में भर भर के एक्शन सीन डाले गए हैं जो आपको खूब इंटरटेन करेंगे। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर ड्यू रेडियो में एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 4 पे है AKA। ये एक क्राइम ड्रामा एक्शन मूवी है। इस मूवी के मेन लीड में एक बंदा जिसका नाम एडम होता है। इस मूवी में एडम एक मिशन पर होता है, जिस मिशन के दौरान उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है। इसके बाद मूवी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसकी वजह से एडम मिशन से ज्यादा बच्चे को बचाने को इम्पोर्टेंट समझता है। ये एक अच्छी टाइम पास मूवी है। अगर आप एक जबरदस्त एक्शन मूवी का वेट कर रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर ड्यू रेडियो में एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 3 पे आती है केट। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी में एक लड़की जिसका नाम केट होता है, जो कि एक ट्रेंड किलर होती है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत से बंदों को मारा होता है। सडनली उसको कोई प्वाइजन कर देता है। उस जहर से वो 24 घंटों में मर जाएगी। तो केट इसका पता लगाने में निकल जाती है कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने इसे प्वाइजन किया। इसके दौरान उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या वो इस बंदे को ढूंढ पाएगी या नहीं, इस सब को जानने के लिए आप मूवी को नेटफ्लिक्स पर ड्यू रेडियो में देख सकते हैं। इस मूवी का एक्शन नेक्स्ट लेवल है, जो आपको जरूर मजा देगा। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 2 पे आती है रेड नोटिस। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी एक हाइस्ट पर बेस करती है। ये कोई पैसों की चोरी नहीं, बल्कि ये एक बेशकीमती अंडों की चोरी है। इन अंडों को दो चोर मिलकर चोरी करते हैं और इन चोरों को पकड़ने के लिए इनके पीछे एक FBI एजेंट होता है। वो एजेंट इन चोरों के जाल में फंस जाता है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो दूसरे चोर की हेल्प लेता है। इस मूवी की स्टोरी इन तीनों के गिर्द घूमती है। इन तीनों बेस्ट एक्ट्रेस का एक साथ होना ही काफी है इस मूवी को देखने के लिए। इस मूवी का एक्शन और कॉमेडी लाजवाब है। इस मूवी को आप ड्यू रेडियो पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो नंबर 1 पे आती है दी ग्रे मैन। ये एक स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी एक स्पाई एजेंट के गिर्द घूमती है जिसका नाम सिक्स होता है। इस एजेंट को CIA के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से CIA एक बैड एज किलर को इसके पीछे इसको मारने के लिए लगा देती है। तो आखिर वो सीक्रेट्स क्या हैं और सिक्स इस किलर से बच पाएगा या नहीं, इस सब का पता आप मूवी देखकर लगा सकते हैं। इस मूवी का एक्शन सुपर हिट है। इससे बढ़िया एक्शन मुझे किसी मूवी का नहीं लगा। सो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर ड्यू ऑडियो में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी much.